हिंदुस्तान को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज पाए जाते हैं। द लैंसेट में छुपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक हिंदुस्तान में 101 मिलियन लोग डायबिटीज़ के शिकार थे और 136 मिलियन वो लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ की श्रेणी में आते हैं, यानी उन्हें निकट भविष्य में डायबिटीज़ होने का खतरा है। ये आंकड़े ना सिर्फ डराते हैं बल्कि ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है। डायबिटीज को मुख्यतः मीठा खाने से जोड़कर देखा जाता है, यानी जो ज्यादा मीठा खाता है उसे डायबिटीज होना निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज के लिए कई अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने एक साझा अध्ययन में डायबिटीज के अन्य कारकों का परीक्षण भी किया है, जिससे डायबिटीज होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इस रिसर्च के मुताबिक केक, चिप्स, कुकीज, क्रैकर, फ्राइड फूड, मेयोनीज और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी कि AGE से भरपूर होते हैं, जो डायबिटीज होने की मुख्य वजह है। AGE में बेहद जहरीले कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन और लिपिड के ग्लाइकेटेड होने से बनते हैं या फिर एल्डोज शुगर को मॉडिफाइड होने से बनते हैं, जो कि एलिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस AGE युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खाने से शरीर में सूजन आती है और डायबिटीज की बीमारी जन्म लेती है। इसलिए इस अध्ययन के मुताबिक कम AGE युक्त आहार यानी कि चिप्स, कुकीज आदि का कम सेवन करने से, साथ ही फल सब्जियां, साबुत अनाज और लो फैट दूध का सेवन से डायबिटीज़ के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इस अध्ययन के मुताबिक वसा युक्त ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक और AGE युक्त आहार पुरानी बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल शामिल हैं। शोधकर्ताओं का साथ ही कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश में कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा सेवन, वसा युक्त आहार और पशु उत्पादों का इस्तेमाल खाने में भी ज़्यादा किया जाता है। हिंदुस्तान में भोजन की आदतें लोगों में मोटापे की वजह बन रही हैं। मोटापा भी डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साथ ही भारतीयों में अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या भी देखी जाती है। यह वो स्थिति होती है जब शरीर ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप डायबिटीज और हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इस रिपोर्ट के मुताबिक मोटापा और ग्लूकोज का स्तर बढ़ना भी डायबिटीज बढ़ाने में सहायक है। शोध के मुताबिक फल सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को कम AGE युक्त आहार मिलता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम रहता है। इसके अलावा अगर आप खाने को सिर्फ उबालते और भूनते हैं या फ्राई नहीं करते, तब भी आप खाने में AGE को कम कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।